भगवान शिव का रूप वाकई अद्भुत है। पौराणिक कथाओं एवं कहानियों में भगवान शिव के जिस प्रकार के रूप का वर्णन हमें मिलता है वह सच में आश्चर्यजनक है। एक हाथ में डमरू तो एक में त्रिशूल है, गले में सर्प और जटाओं में गंगा की धारा है, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल लपेटी है। यह है शिव जी का रूप। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव ने बाघ की खाल क्यों धारण की? हम शिव जी की जितनी भी तस्वीरें देख लें उनमें या तो वे बाघ की खाल पहने हुए हैं या फिर उस पर विराजमान हैं। लेकिन बाघ की खाल से उनका क्या संबंध है? आखिर वे इसे क्यों धारण करते हैं या फिर क्यों बाघ की खाल पर बैठते हैं? इस सवाल का जवाब हमें शिव पुराण से हासिल होता है, जिसमें भगवान शिव और बाघ से संबंधित एक कथा दर्ज है। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार ब्रह्मांड का गगन करते करते एक जंगल में पहुंचे, जो कि कई ऋषि मुनियों का स्थान था। यहां वे अपने परिवार समेत रहते थे। भगवान शिव इस जंगल से निर्वस्त्र गुजर रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि उन्होंने वस्त्र धारण नहीं कर रखे। शिवजी का शिडोल शरीर देख ऋषि मुनियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित होने लगी। वह धीरे धीरे सभी कार्यों को छोड़ केवल शिवजी पर ध्यान देने लगी। तत्पश्चात जब ऋषि मुनियों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी के कारण, जिन्हें ऋषि एक साधारण मनुष्य मान रहे थे, उनकी पत्नियां मार्ग से भटक रही हैं, तो वे बेहद क्रोधित हुए। सभी ऋषियों ने शिवजी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने शिवजी के मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। मार्ग से गुजरते हुए शिवजी उसमें गिर गए। जैसे ही ऋषियों ने देखा कि शिवजी उनकी चाल में फंस गए, उन्होंने उस गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया ताकि वह शिवजी को मारकर खा जाए। लेकिन आगे जो हुआ उसे देख सभी चकित रह गए। शिवजी ने स्वयं उस बाघ को मार डाला और उसकी खाल को पहन गड्ढे से बाहर आ गए। तब सभी ऋषि मुनियों को यह आभास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस पौराणिक कहानी को आधार मानते हुए यह बताया जाता है कि शिवजी बाघ की खाल क्यों पहनते हैं या फिर उस खाल के ऊपर विराजमान क्यों होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।